अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद सईदा में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल टोस्ट सैंडविच की रेसिपी, जो बेहद आसान तरीके से मैंने बनाकर तैयार किया है। तो आइए देखते हैं मैंने किस तरीके से ये टोस्ट सैंडविच को बनाया है। यहाँ पर टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड ले लिया है। ब्रेड आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बड़े या छोटे आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब मैं ब्रेड के जो कॉर्नर का हिस्सा है उसे मैं कट कर निकाल लूंगी। और यहाँ पे मैंने हरी चटनी तैयार कर ली है। हरी चटनी तैयार करने के लिए मैंने कोथमीर, पुदीना और लहसुन को और नमक को मिक्सी के जार में ऐड करके उसे मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने केचप ले लिया है, टमाटो केचप, बटर ले लिया है मैंने। यहाँ पे मैंने आलू को बॉईल करके उसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। ककड़ी, कुकुम्बर, उसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। टमाटर को भी स्लाइस में कट करना है। प्याज और शलगम, बीटरूट, उसे भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। तो चलिए टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए हम बिस्मिल्लाह करते हैं। वो यहाँ पर मैं ब्रेड का जो कॉर्नर का हिस्सा है उसे मैं कट कर निकालूंगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के कॉर्नर का हिस्सा निकाल कर अलग कर लिया है। अब मैं सबसे पहले ब्रेड में लगाऊंगी बटर मस्का। चारों ब्रेड में जो है बटर लगा लिया है। अब मैं दो ब्रेड में हरी चटनी और दो ब्रेड में केचप पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो ब्रेड में हरी चटनी लगा दिया है और दो ब्रेड में मैं लगाऊंगी केचप और इसे भी स्प्रेड कर देंगे हम। दो ब्रेड में हरी चटनी और दो ब्रेड में केचप लगा दिए हैं। इसके ऊपर गार्निश करूंगी सब्जियों को। ब्रेड के ऊपर लगा दूंगी आलू को। चाट मसाले का इस्तेमाल करूंगी। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप थोड़े से गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्का हल्का चाट मसाला अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हो टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए। अब मैं ये ब्रेड को इस ब्रेड के ऊपर लगाकर हल्के हाथों से प्रेस करूंगी। अब मैं इसमें टोस्ट सैंडविच मेकर का इस्तेमाल करूंगी। इसे मैं एक साइड करके आपको दिखा देती हूँ कि आपको मेरी वीडियो क्लियर दिखे। यहां पर मैं लूंगी टोस्ट सैंडविच मेकर। आपको चाहिए तो आप एक पैन पे या तवे पे भी इसको तैयार कर सकते हो। मैंने टोस्ट सैंडविच मेकर का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इस सैंडविच को इस मेकर में डालकर और इसके ऊपर हल्का सा मस्का लगा लूंगी बटर को। फिर इसे मैं बंद करके इसकी दूसरी तरफ भी मैं, तो इसको मैंने एक साइड बटर लगा लिया है और इसको पलट कर मैं दूसरी साइड भी हल्के हल्के बटर
आपको लगा लूंगी कि हमारी सैंडविच जो है वो मेकर में चिपकेगा। तो यहाँ पर मैंने सैंडविच को तैयार करकर इस टोस्ट सैंडविच मेकर में इसे डाल दिया है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर दूंगी बिस्मिल्ला, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर मैं सैंडविच को इस पर रखकर टोस्ट कर लूंगी। एक साइड में इन्हें 1 से 2 मिनट तक का टोस्ट करूंगी और उसके बाद दूसरी साइड पलटकर 1 से 2 मिनट तक का हम इसे टोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से टोस्ट कर लिया है, इसे हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैं दूसरी साइड भी इसे टोस्ट कर लूंगी 1 से 2 मिनट तक का। तो यहाँ पर दूसरी साइड भी मैंने 1 से 2 मिनट तक का इसे टोस्ट कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और उसे हम चेक करेंगे। तो ये देखिए, हमारा सैंडविच जो अच्छी तरीके से टोस्ट हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में आपको सर्व करके बताती हूँ। ये देखिए, मैंने सेम तरीके से दूसरा सैंडविच भी टोस्ट करके निकाल लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सैंडविच को एक प्लेट में सर्व कर लिया है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सेव भी ऐड कर दिया है। तो अगर आपको मेरी ये टोस्ट सैंडविच की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं मेरे अगले नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।